बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप एंड प्रे कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद पे बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही थी, सिस्टर आई हुई थी। मैंने चांद रात का व्लॉग तो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो मैंने अपनी सारी तैयारी की थी। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया था, माशाल्लाह सिस्टर आई हुई थी और बच्चे थे, तो बस वो ईद वाले दिन, हालांकि मैंने ही उनको तैयार किया, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही थी। आपको पता है ईद पे खाना शाना बनाना, ये वो फलां, घर में मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बस इस वजह से ना मैं कुछ प्रॉपर अपना व्लॉग नहीं बना सकी। चलें जी, खैर आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम भी है, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, बहुत सारे टिप्स दूंगी आप लोगों को कि मेरे पिछले मतलब सेकंड लास्ट मेरे व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों के साथ एक घर शेयर किया था, और मैंने ये जो चेयर पे मैं बैठी हुई हूँ ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप मुझे इस चेयर पर देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ों मरतबा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे बिठाया है। और मतलब ज़िंदगी में कभी भी अगर आप ये सोचें ना कि हमें बैठे बिठाए कुछ मिल जाएगा, तो ऐसे बहुत रेयर होता है, सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके जो मतलब पैराशूटर्स होते हैं। देखें, दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक होते हैं ग्रास रूटर्स और एक होते हैं पैराशूटर्स। ग्रास रूटर्स वो लोग होते हैं जो मतलब खुद अपने पाँव पे खुद चल के खड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि जिन्होंने खुद एफर्ट की होती है अपनी ज़िंदगी में और फिर वो किसी मकसद तक पहुंचते हैं, वो होते हैं ग्रास रूटर्स लोग। और पैराशूटर्स लोग वो होते हैं जिनके पेरेंट्स ने उनके लिए बहुत कुछ किया होता है। नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने, बहन भाइयों ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी भी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की, ठीक है। और आज मैं इस चेयर पर बैठी हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया है, ठीक है। अब मैंने कैसे मेहनत की, मैंने क्या मेहनत की, मैंने क्या पढ़ा, मैं सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है कि आप लोग कैसे अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि ज़िंदगी में प्लानिंग मास्टर होनी चाहिए। जितनी देर तक आपकी प्लानिंग नहीं अच्छी होगी ना, आप कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, आपकी डोमेन क्या है, आपका रास्ता क्या है, ठीक है। ग्रेजुएशन तक तो मुझे नहीं पता था कि मैंने आगे क्या करना है। आफ्टर ग्रेजुएशन आई विल डिसाइड कि मैं मास्टर्स करूँ और मैं किसी अच्छे सब्जेक्ट में मास्टर्स करूँ। आई चूज मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत मतलब आप ये कह लें कि ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, कैसे करोगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका क्लियर नहीं हुआ दिस एंड दैट ये वो, ठीक है। देखें, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप अपने कान बंद रखें, कान बंद रखें, दिमाग खुला रखें, आंखें खुली रखें। मैंने कहा नहीं, मैंने करना है तो करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेमेस्टर सिस्टम में नहीं किया, मैंने एनुअल सिस्टम में किया है। एनुअल सिस्टम में ज़्यादा टफ होता है। सेमेस्टर सिस्टम में तो ये होता है कि आप 6 मंथ्स बाद आपका सेमेस्टर हो जाता है तो आप क्लियर हो जाते हैं, लेकिन एनुअल सिस्टम में ये होता है कि आपने जितना पढ़ा होता है आपने पूरे साल बाद उसके एग्ज़ाम्स देने होते हैं। और मास्टर्स में हमारे तकरीबन 25 to 27 बुक्स पार्ट फर्स्ट में थी और इतनी ही तकरीबन 30 के राउंड अबाउट पार्ट टू में थी, तो ये मिला के तकरीबन 60 के राउंड अबाउट बुक्स बन जाती हैं, जो कि आपने अगर आप मास्टर्स एनुअल सिस्टम में करते हैं तो ये आपने स्टडी करके इनके पेपर देने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद मैंने एक स्कूल में जॉब की। स्कूल में भी मेरी जॉब अच्छी थी, लेकिन मैं कुछ मज़ीद अच्छा करना चाहती थी। फिर मैंने एक ऑफिस में जॉब स्टार्ट कर दी। जब मैंने स्कूल में जॉब स्टार्ट की तो मेरी सैलरी भी अच्छी थी। मतलब मोस्टली होता ऐसे है कि मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जॉब स्टार्ट कर दी थी।
देखिए, अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको कुछ करना है, आपके वसाइल बेशक महदूद भी हैं लेकिन आप उनको लामहदूद कर सकते हैं। वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप खुद एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप घर वालों पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बने, आप खुद अपने लिए कुछ करें। मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही आफ्टर ग्रेजुएशन फ़ौरन मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। इवन दो मैंने ग्रेजुएशन में भी जॉब की थी और फिर मेरा मास्टर्स अभी चल रहा था, तो मैंने एक प्रॉपर अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी और मैंने साथ साथ फिर मास्टर्स के पेपर्स भी दिए और सारा मैंने अपना मास्टर्स साथ साथ क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये किया कि फिर मैंने एक ऑफिस में जॉब स्टार्ट की। ऑफिस में मेरी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी थी। मैंने क्या किया, मैंने सारे पैसे खर्च नहीं करने। आप लोग भी ऐसे ही किया करें। आपकी ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से ना जिए, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ प्लान रखें, अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचें। तो मैंने क्या किया, मैं अपने सारे जितनी भी मुझे सैलरी मिलती थी वो मेरी बैंक में अकाउंट में सैलरी आती थी, तो मैं सारी सैलरी खर्च नहीं करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर देखें, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, आपकी सोच आपकी जितनी बड़ी बहुत अच्छी भी हो, लेकिन आपको एक वक्त पे फ़ैसला करना जो है ना, आपको थोड़ी बहुत ठोकर जब लगती है या आपको कुछ चीज़ नागवार गुजर जाती है तो आप वो फ़ैसला बहुत जल्द कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नो डाउट कि मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मैं बहुत रिलैक्स थी अपनी जॉब में अल्हम्दुलिल्लाह, ना ज़्यादा वर्किंग लोड था ना कुछ था, लेकिन कुछ ऑफिस में ऐसा थोड़ा बहुत हुआ कि जिस की वजह से मुझे ये सोचना पड़ गया कि मतलब वो, जब आपको पता है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटर न्यू आता है या कुछ भी, इवन फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, तो एक दिन बस मैं थोड़ा सा लेट हो गई और मेरी जीएम के साथ कुछ थोड़ी सी अनबन हो गई। उसी वक्त मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब मैं कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना करूँगी। और वो वक्त था कि मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि अब मैं मज़ीद इतना ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, मैं बहुत जल्द अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त मैंने फ़ैसला किया और फिर मैंने बहुत जल्द अपनी जॉब छोड़ दी। और मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मेरी सेमी गवर्नमेंट जॉब है, अभी भी मैंने ऑफिशियली रिज़ाइन नहीं किया, मैं लीव पे हूँ अभी भी इसी वक्त, लेकिन मैंने ऑफिस छोड़ दिया था, मैं लीव पे चली गई थी और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना प्लान कि मैंने आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस वक्त अपना बनाया है प्री स्कूल डे केयर सेंटर, जिसमें मैं 2 माह से लेके 4 साल, 4.5 साल, 5 साल तक के बच्चे मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनको मतलब प्री स्कूल में जो होता है उनकी, उस हिसाब से मैंने अलग सेटिंग की हुई है और मैं अपना पूरा एक प्रॉपर सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है यहाँ पे खुद। मैंने उसमें मेरी सिस्टर का बहुत 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 बड़ा हाथ है जिसने मेरे साथ सारी तैयारी करवाई, इवन दो मैंने परचेजिंग तक भी मैंने खुद की है, ठीक है, परचेजिंग मैंने खुद की है, हर चीज़ मैंने खुद, मैंने और मेरी सिस्टर ने हमने खुद की है, प्लानिंग भी मेरी अपनी थी, चूज़ भी मैंने हर चीज़ खुद की और परचेज भी मैंने हर चीज़ खुद की अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं, ठीक है। मैंने हर चीज़ खुद परचेज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सेटअप इतना अच्छा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और कैसे बनाया ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, ये मेरी अपनी चेयर है, मैं इधर ही बैठती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह मैंने पूरा एक प्रॉपर जो अपना सेटअप बनाया है उसकी भी मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बात करने का मकसद ये है कि आप भी कर सकते हैं, अगर मैंने ये किया है तो मैंने कोई मार्का नहीं मारा, आप लोग भी कर सकते हैं। हर इंसान में अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, आप लोग भी मेहनत करें, जैसे मैंने मेहनत के साथ अपने खुद, मैंने जितनी मेरी सैलरी मैंने खुद जमा की, सब कुछ मैंने खुद किया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि मेहनत करें, अपना जो प्रेजेंट है उस पे फोकस करें, ये ना देखें कि वो फलां मेरा बहन भाई है वो मुझे ऐसे कर देगा, मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे कर देंगे। पेरेंट्स की हर कदम पे, हर एज में आपके साथ सपोर्ट रहती है, आप जहाँ तक मर्जी चले जाएं, इवन तो आपके अपने भी बच्चे हो जाएं फिर भी, लेकिन पेरेंट्स हमेशा आपका साथ देते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं।
ठीक है। और मेरे यहाँ तक पहुँचने में जितना किरदार मेरी अम्मी का है ना, मैं आप लोगों को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, ठीक है। तो कदर करें अपने पेरेंट्स की और कदर करें अपने मौजूदा टाइम की। स्टेप लें, स्टेप लेना सीखें। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप सोचते जाएं सोचते जाएं सोचते जाएं, अच्छा ऐसे करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जो टाइम चल रहा है यही बेस्ट है, ठीक है। इसमें मेहनत करें और जल्द अज जल्द स्टेप लें, ठीक है। अपनी खुद अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपना सारा सेटअप बनाया है, मैंने प्री स्कूल, उसमें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो जितना भी मतलब जो मैंने यूरोपियन स्टाइल को अडॉप्ट किया है, उसमें मैं ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी सब कुछ मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, हर चीज़ मैंने खुद अपनी की है, ठीक है। और जो मेरा डे केयर सेंटर है, उसमें ऐसे है कि जो जॉबियन मदर्स हैं वो अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ के जाती हैं और शाम को मेरे पास से अपने बच्चों को पिक करके लेके जाती हैं। मेरे पास मेड्स हैं और बाकी सारा स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप लोग ये ना सोचे कि हमने 9 to 6 या 9 to 5 जॉब करनी है और दैट्स इट, नहीं, अपना कुछ करना है और अपने लिए जीना है, ठीक है। किसी के अंडर रह के नहीं कुछ भी करना, अपने लिए करना है और खुद करना है। अपने लिए फ़ख्र का बायस बने, अपने वालदैन के लिए बने, अपने गार्डियंस के लिए बने, बहन भाइयों के लिए बने, ठीक है। तो यहीं तक की थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।